नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। पिछले कुछ दिनों से हमें आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमें पूछ रहे हैं कि टिकटॉक की ताज़ा स्थिति क्या है, किस पार्टी से कौन से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, कुछ चेंजेस आए हैं या फिर वही हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो सबसे बड़ा चेंज पिछले एक हफ्ते के दौरान आया है वो ये है कि कोई भी पार्टी इस वक्त कम्फर्ट जोन में नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था, 3 महीने पहले हमने भी कहा था कि बीजेपी कंफर्ट जोन में है और वो जिसको मर्जी टिकट देकर मैदान में उतार सकती है, वो स्थिति अब नहीं है। ऐसा नहीं है, बीजेपी को भी इस बात का पता चल गया है और वो अपने जिताऊ कैंडिडेट्स को ही मैदान में उतारेगी। और यही स्थिति कांग्रेस और जेजेपी के लिए भी है। और इसी कड़ी में आज हम आपसे बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों की। हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 विधानसभा सीटें हिसार जिले की हैं और 1 विधानसभा सीट भिवानी की बवानीखेड़ा है। और जबकि 9वीं जो सीट है वो जींद जिले के उचाना की है, वो भी हिसार लोकसभा क्षेत्र में आती है। तो कुल मिलाकर हिसार लोकसभा क्षेत्र में जो तमाम 9 विधानसभा हलके हैं वहाँ पर प्रत्याशियों की स्थिति, टिकटों को लेकर कयास जो लगाए जा रहे हैं, जो संभावनाएँ हैं, जो सूत्र बता रहे हैं किस वक्त स्थिति क्या चल रही है, किसकी संभावनाएं प्रबल हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदमपुर की। हिसार क्षेत्र की बात करें तो आदमपुर सबसे हॉट सीट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना करीब करीब तय है। लोकसभा चुनाव में अपने बेटे बहुए बिश्नोई की करारी हार के बाद कुलदीप बिश्नोई अब अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि आदमपुर में घूमने लगे हैं, नजर आने लगे हैं। लोगों से मुलाकात भी वो कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा या उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात आदमपुर की कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आदमपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं। और जहां तक बीजेपी की बात है तो अगर बीजेपी की टिकटों में संघ की यानी कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चलती है तो संघ से जुड़े डॉक्टर संजय जौहर का नाम यहाँ से सबसे पहले आ रहा है। संघ की अगर मानी गई टिकटों के वितरण को लेकर तो डॉक्टर संजय जौहर बीजेपी के आदमपुर से प्रत्याशी हो सकते हैं। और अगर कुलदीप के सामने डॉक्टर संजय जौहर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की टिकट पर तो कुलदीप बिश्नोई के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें होंगी। पहली मुश्किल तो इसी बात को लेकर होगी कि अब उनका वो रुतबा, परिवार का वो कद नहीं रहा जो किसी ज़माने में होता था। भजनलाल जी का जो श्रेय वो लेते आए हैं, इस चुनाव में कम से कम साफ तौर पर उन्हें वो नहीं दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने इशारा कर दिया है कि वो दिन अब नहीं रहे जो भजनलाल के वक्त होते थे या भजनलाल ने जो काम कराए थे उनका जो श्रेय था वो दे चुके हैं। अब समय बदल गया है, अब जो काम करेगा, जो लोगों के बीच रहेगा, जनता के साथ खड़ा नजर आएगा, उसके साथ ही जनता जाती हुई नजर आएगी। तो कुलदीप बिश्नोई की स्थिति डॉक्टर संजय जौहर के सामने छोटी नज़र आ सकती है। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि डॉक्टर संजय जौहर खुद बिश्नोई समाज से, बिश्नोई धर्म से आप कह लीजिए आते हैं, लिहाजा कुलदीप बिश्नोई का जो पेट वोट बैंक है बिश्नोई, वो वोट बैंक भी डॉक्टर संजय जौहर की तरफ खिसक सकता है। और बीजेपी अगर डॉक्टर संजय जौहर को टिकट देती है तो बीजेपी एक तीर से ही कई निशाने साध सकती है। और जो सबसे बड़ा निशाना रहेगा वो ये रहेगा कि कुलदीप बिश्नोई के वोट बैंक को ही क्रैक कर दिया जाए, और ये काबिलियत सिर्फ डॉक्टर संजय जौहर में है। हालांकि आदमपुर में और कई नेता भी हैं जिन पर बीजेपी विचार कर रही है, लेकिन अगर संघ की चली या थिंक टैंक ने गंभीरता से सोचा तो डॉक्टर संजय जौहर यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। कुलदीप बिश्नोई को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। डॉक्टर संजय जौहर के अलावा भी अगर पार्टी चेंज करती है सत्येंद्र सिंह या किसी और से तो भी कुलदीप बिश्नोई के लिए मुश्किलें बड़ी होंगी, और बड़ी इस मायने में रहेंगी कि वो कितने मार्जिन से हारते हैं या अपनी हार का मार्जिन कितना कम कर पाते हैं। ये माना जा रहा है, ये लगभग तय माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई इस बार ये पहली दफ़ा होगा जब विधानसभा चुनाव में भजनलाल जी की बात यहाँ से उन्हीं के परिवार का, उनके खानदान का कोई व्यक्ति हारने की स्थिति में खड़ा नजर आता है। अब बात करते हैं हिसार की। हिसार विधानसभा सीट पर हमने पहले भी आपको बताया था कि डॉक्टर कमल गुप्ता इस वक्त सिटिंग MLA हैं, और कायदा ये कहता है कि सिटिंग MLA की टिकट अक्सर काटी नहीं जाती है। लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें तो यहाँ उन्होंने उनके नाम से, स्पेशली डॉक्टर कमल गुप्ता के खाते में उनके नाम से कोई बड़ा तीर नहीं मारा गया है। अगर पार्टी डॉक्टर कमल गुप्ता को स्विच करना चाहे तो सिर्फ अग्रवाल कम्युनिटी से ही किसी को यहाँ से स्विच किया जा सकता है। और यहाँ से अगर कांग्रेस की बात करें तो आज की स्थिति में
ये माना जा रहा है कि सावित्री जिंदल यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। अब बात करते हैं हांसी विधानसभा सीट की। हांसी विधानसभा सीट पर तमाम संभावनाओं, तमाम फेरबदल, तमाम रद्दोबदल के बावजूद स्थिति आज भी फिर घूम कर वहीं पर टिकी है, यानी कि विनोद भैना इस वक्त भी नंबर वन पर माने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई बड़े चेहरे भी हैं, लेकिन बावजूद इसके भैना आज भी अपनी पोजिशन पर कायम हैं। ये बात अलग है कि पिछले दिनों उनके नाम को लेकर पार्टी में ही विरोधाभास हुआ। बावजूद उसके पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी का थिंक टैंक ये मानता है कि जिस व्यक्ति की इतनी खिलाफत है तो वो क्यों है, क्यों नहीं उसे मजबूत मान लिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले दिनों ताकत में आने के बाद, हालांकि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी ताकत उनको नहीं दी है, लेकिन जितनी भी दी है कुछ चेंज आया है कांग्रेस के अंदर। उस चेंज के बाद कोई भी पार्टी, कोई भी दल ये नहीं चाहेगा कि किसी भी हाल में कमज़ोर आदमी को मैदान से उतारा जाए। पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस वक्त कंफर्ट जोन में है, हमने भी आपको बताया था, ये 3 महीने पहले की बात है, बीजेपी उस वक्त कंफर्ट जोन में थी। लेकिन अब कोई भी दल कंफर्ट जोन में नहीं है और उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस है। सुभाष गोयल जो पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम कांग्रेस के लिए पहले हांसी से कहा जा रहा था। जब अशोक अरोड़ा के साथ उन्होंने इनेलो छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए, तब ये माना गया था और ये कहा भी जा रहा था कि सुभाष गोयल कांग्रेस के हांसी से प्रत्याशी हो सकते हैं, और उस केस में विनोद भैना की दावेदारी कमज़ोर होती नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि सुभाष गोयल ने कांग्रेस को साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पुख्ता रिपोर्ट्स हैं, उनके पारिवारिक सूत्रों का ये कहना है कि सुभाष गोयल कांग्रेस की टिकट पर हांसी से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं आज की डेट में। और ऐसी स्थिति में फिर से वही विनोद भैना आगे आ जाते हैं, बीजेपी उन पर सोच सकती है। सुभाष गोयल अगर चुनाव लड़ते हांसी से तो बीजेपी को सोचना पड़ सकता था, क्योंकि उनका और विनोद भैना का जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। उस स्थिति में बीजेपी को प्रत्याशी चेंज करना पड़ सकता था। लेकिन अगर सुभाष गोयल कांग्रेस की टिकट पर हांसी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर से विनोद भैना पार्टी के लिए, यानी कि बीजेपी के लिए पहली चॉइस हो सकते हैं। अब बात करते हैं बरवाला विधानसभा सीट की। बरवाला विधानसभा सीट पे कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। हालांकि हर्षमोहन भारद्वाज को लेकर एक मामला जरूर उठा था, लेकिन वो मामला अब दब चुका है, ठंडा हो चुका है। बावजूद इसके सुरेंद्र पुनिया आज भी बीजेपी, आरएसएस और तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट में नंबर वन पर हैं, और पार्टी को भी लगता है कि सुरेंद्र पुनिया सुरक्षित तौर पर बीजेपी को यहां से, यानी कि बरवाला से जीत दिलवा सकते हैं। इसलिए वहां पे कोई रद्दोबदल नहीं है और हमारे ख्याल से टिकट बरवाला से सुरेंद्र पुनिया को ही दी जाएगी। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो रामनिवास घोड़ेला इस वक्त नंबर वन पर हैं और कांग्रेस उनके नाम पर विचार कर सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो नज़दीकी हैं और हुड्डा गुट ये चाहेगा कि उनसे जुड़े लोगों को अधिक से अधिक टिकटें मिलें। नलवा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी से रणबीर गंगवा आज भी नंबर वन पर हैं और पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। हालांकि पिछले दिनों ये अफवाहें, ये हवाएं आई कि रणबीर गंगवा को स्विच करके आदमपुर में भेज सकते हैं या फिर नलवा में कैप्टन भूपेंद्र को ला सकते हैं, लेकिन ये तमाम कयास हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगी कि नलवा सीट पे उनका कोई कमज़ोर कैंडिडेट आए। और रणबीर गंगवा के अलावा अगर किसी को पार्टी ख्याल करती है, किसी को लेके आती है या किसी पे दाव खेलती है तो बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए हमारे मानने में ये है कि कैप्टन भूपेंद्र नहीं हो सकते, रणबीर गंगवा ही नलवा से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर। और कांग्रेस की बात करें तो आज के दिन संपत सिंह सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा कद है कांग्रेस के लिए नलवा सीट पर। ये बात और है कि अगर कुलदीप बिश्नोई की चली, कुलदीप बिश्नोई को माना गया, सुना गया, उनके तर्क को समझा गया या स्वीकार कर लिया गया तो रणधीर पनियार उनके कोटे से वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन संभावनाएं बेहद कम नज़र आती हैं। अगर संपत सिंह अपनी टिकट को लेकर एडामेंट रहे, अड़े रहे, तो निसंदेह नलवा की कांग्रेस की टिकट संपत सिंह को ही जाएगी। अब बात करते हैं उकलाना विधानसभा सीट की। उकलाना में कांग्रेस की तरफ से नरेश सेलवाल का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। जेजेपी पहले ही अपना कैंडिडेट वहाँ से घोषित कर चुकी है। अनूप धानक वहाँ से जेजेपी के उम्मीदवार होंगे, सिटिंग एमएलए भी हैं, इनेलो के थे, इनेलो से वो बाहर हो गए, अब जेजेपी में हैं और जेजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी की बात करें तो हमने पहले ही बताया था, आज भी वही स्टैंड है, 2 महिलाएँ हैं, इनमें से किसी को भी टिकट मिल सकती है, सीमा गैबीपुर, आशा खेदड़। इन दो में से
एक महिला को बीजेपी उकलाना में टिकट दे सकती है, चुनाव लड़ा सकती है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। नारनौल विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन अभिमन्यु सिटिंग MLA हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी की उनकी टिकट नहीं कट सकती, बीजेपी से वो चुनाव लड़ेंगे, हल्के में घूम रहे हैं, प्रचार उन्होंने विधिवत शुरू कर दिया है और उनका मुकाबला भी JJP से सीधा होने वाला है। JJP के राम कुमार गौतम कैप्टन अभिमन्यु को चुनौती दे रहे हैं। JJP अपना प्रत्याशी विधिवत रूप से राम कुमार गौतम को घोषित कर चुकी है। जो 7 कैंडिडेट्स JJP ने घोषित किए थे उसी पहली लिस्ट में राम कुमार गौतम का नाम भी आया था। और राम कुमार गौतम इस वक्त कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल में कड़ी चुनौती दे रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं। कांग्रेस नारनौल से जीतने की स्थिति में इस वक्त कतई नहीं है, उनका कोई भी उम्मीदवार आ जाए जीतने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा कांग्रेस के पास 2 चीज़ें होंगी, 2 च्वाइसेस होंगी, उसमें से एक चुनना होगा। क्या वो ऐसा प्रत्याशी उतारें जिससे कैप्टन अभिमन्यु यानी कि BJP को फायदा हो, या फिर ऐसा प्रत्याशी उतारें जिससे JJP को राम कुमार गौतम को फायदा हो। हालांकि अगर मूल रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की बड़ी दुश्मन जो है BJP है, JJP नहीं है। तो हो सकता है पार्टी का थिंक टैंक किसी ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारे जिससे कैप्टन अभिमन्यु को BJP को नुकसान पहुंचता हो। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस किसके नाम को आगे लेके आती है। अब बात करते हैं उचाना विधानसभा सीट की। उचाना विधानसभा सीट से हालांकि विधिवत रूप से किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो पहला नाम वहां से आ रहा है वो दुष्यंत चौटाला का आ रहा है। JJP के नेता हैं, JJP को लीड करते हैं, JJP के कैप्टन हैं, और JJP के कैप्टन दुष्यंत चौटाला उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। अंदर खाते पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए एजेंडा तैयार किया गया है, प्लानिंग तैयार की गई है, उस पर काम हो रहा है। जहां तक BJP की बात है, लोग कहते हैं, उचाना हल्के के लोगों का ये कहना है कि BJP फिर से प्रेमलता पर अपना दावा ठोक सकती है, उन्हें मैदान में उतार सकती है। उसकी वजह ये है कि उनके पास कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुश्किल ये है BJP के साथ कि अगर वो प्रेमलता को वहाँ से कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारती है तो एक बार फिर अपने ही बातों पर, अपने स्टैंड पर घिर जाएगी। परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं हिसार से, और अगर उनकी माँ प्रेमलता को वहाँ से विधायक के कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाता है तो ये आरोप पार्टी पर लगेंगे कि पार्टी कमज़ोर हो गई है, पार्टी पारिवारिक स्टैंड लेती है, परिवारवाद में जाती है, उनके पास आदमी नहीं है तो इसका मतलब कोई काम भी नहीं है। और अगर वाकई BJP ने उचाना में काम किए हैं तो BJP वहाँ से किसी को भी टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। भवानीखेड़ा की बात करते हैं। भवानीखेड़ा में BJP शायद इस बात पर सोच रही है, विचार कर रही है कि क्यों ने वहाँ से नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि हर अपडेट, हर खबर, हर समाचार सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।